आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला जजर हरियाणा के अंदर वो परमात्मा स्वयं आकर उनको मिले खेतों में जंगल में, जब वो गऊ चरा रहे थे 10 वर्ष के बालक थे, और वहाँ से सचखंड लेकर गए। गरीबदास जी को पीछे से मृत जान लिया था गांव वालों ने, उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। तब परमेश्वर ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर अपनी सतीथि से परिचित कराकर, अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करा करके वापस छोड़ दिया था। आदरणीय घीसा दास साहेब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ, उनको परमात्मा आकर मिले थे, सतपुरुष मिले थे, उन्होंने भी यही कलम तोड़ महिमा गाई, कबीर इज गॉड। और गरीबदास साहेब जी ने भी कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। और यही नानक साहेब ने कहा है कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए प्रवरदिगार। अब गरीबदास जी ने तो कलम तोड़ रखी है, उस परमेश्वर की आंखों देखी महिमा क्या बताया है। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है, इसको समझने के उपरांत आप जी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में स्पष्ट किया गया है। अब क्या बताते हैं कि तू यहाँ की जो इस काल के लोक की जो प्रभुता चाहता है, मान लीजिए आप कोई राजनेता बन जाते हो और यहाँ संसारी कुछ कार्य आप अच्छे कर देते हो, आपकी मृत्यु के उपरांत आपके फॉलोअर आपकी एक स्टेच्यू बना देते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं यादगार के लिए, और सत भक्ति करी नहीं वही प्राणी फिर पशु बनकर या कौवा काग बनकर अपने स्टेच्यू पर ऊपर बैठकर सिर पर बीट करता है। अब वो महिमा के काम आई, वो गदा बन रहे और महिमा हम करने लग रहे उसकी। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा कोई और यश नहीं है, ऐसी कोई महिमा नहीं होगी तेरी, तू सुख के सागर बसरे। क्या बताते हैं, जैसे मीराबाई, अब उनका जो यश है, यश उनका भी है और वो मोक्ष प्राप्त करगी, फिर 84 लाख योनियों में नहीं आई। ऐसे ही आप जी भी उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, कोई कठिन काम नहीं। मीराबाई के लिए कठिन इसलिए हो गया था कि जिस समय मीराबाई को परमेश्वर आकर मिले थे कबीर देव जी, उस ज्ञान से वो परिचित हुई तो एकदम आत्मा उसकी जागगी, और ठाकुर कुल में जन्म था और उस समय के ठाकुर अपनी बहन बेटियों को पत्नियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखा करते थे। अब उस रूढ़िवादिता के कारण मीराबाई को संघर्ष करना पड़ा और परमात्मा ने पल पल पर रक्षा की। लेकिन आज शिक्षित समाज है, वो बाउंडेशन वो बंधन नहीं है, और कोई मीराबाई ने भगवान पाने के लिए संघर्ष नहीं किया था, समाज के साथ खुचम खुचा रहना पड़ा। अब आप जी के लिए वो समस्या हल कर दी भगवान ने, आपको शिक्षित बनाया पहले ताकि आप सदग्रंथों को समझ सकें, और ऐसे स्थान पर आपका जन्म दिया इस पवित्र भारत की भूमि पर जहाँ भगवान की अब भी चाह, अटूट चाह है आत्मा में। अन्य कंट्रीज में, अन्य देशों में भी आत्मा तो चाह रही है भगवान को, लेकिन वहाँ यहाँ संसारिक सुख इतने दे दिए कि आत्मा को फुर्सत है कोई ना भगवान की तरफ सोचने की। आपके ऊपर ये भी रहम है कि वो आग अभी यहाँ लगी नहीं थी, और अब लगने लगी थी तो आप जागी गए,
अब जो ये टीवी मोबाइल ये दुरुपयोग के लिए बनाए थे काल ने, हम सदुपयोग करेंगे, इसमें भगवान की वाणी सुनाएंगे और भगवान का सत्संग सुनेंगे, मैं बताइयो हमारा के बिगाड़ेगा फिर। तो इस काल ने ये जुल्म करवाना था, भक्ति योग है, कितनी बकवाद शुरू करवा दी। एक टाइम पास करना प्राणी ने अपने जीवन का अगर भक्ति करके करता है तो उसके काम आवेगी, और सारा जीवन माया जोड़न पे लगा रहता है वो धोखा खावेगा। उसके विषय में आप क्या बता रहे हैं, कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई और नहीं ऐसा यस रे। जैसे मीराबाई जी, ध्रु और प्रहलाद जी, आदरणीय अन्य महापुरुष, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय अमरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब, जिनको भगवान मिले उनकी कीर्ति भी जग में है। अब उनकी कीर्ति भी रहेगी और वह सुखी भी, और अन्य जो कीर्ति किसी की है वो कीर्ति केवल एक दिन मनाई जाती है, जिस दिन उसका जन्म या मरण दिन हो, बाकी समय में कोई याद ना करता। और इन महापुरुषों को दिन रात याद किया जाता है महाभक्तों के द्वारा। अब गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब फिर उसी को क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। क्या क्या प्रमाण देते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी व जमके पड़े जंजीरम, मन तू सुखे सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चणुक ऋषि सर चुणुक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई ही। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, ग्यारह अक्षोणी संग चले थी देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुवर खाए, 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुवर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। राम नाम प्रह्लाद पढ़े था, राम नाम प्रह्लाद पढ़े थे हिरण्यकश्यपु ना भाई,
राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, हिरण्यकशिपु ना भाई, नरसिंह रूप धरे नारायण, खंभ पाड़ के आए मन तू, सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। भाई नामदेव नाम प्रभु का जपते जाकी छान छवाई, नामदेव नाम प्रभु का जप थे जाकी छान छवाई, एक पलक में देवल फेरा व मृतक गऊ जवाई, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखो रे भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखो रे भाई, बन के सो बन जारा उतरे नौ लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा, भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा, दास गरीब कौन गति पावे वो मगहर मुक्त बिलासा, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा जसरे। अब यहाँ क्या बताया है पुणात्माओं, इस आत्मा के ऊपर काल के इन तीन गुणों का, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी के अंदर से एक एक गुण की तरंगे निकल रही हैं ऐटोमेटिकली। जिस प्रकार मिर्च होती है मिर्च, अब जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी अपनी राजधानियों में रहते हैं, ये ऊपर अलग अलग इनके लोक हैं, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी और शिवपुरी, शिवलोक ब्रह्मालोक विष्णु का लोक, ये वहाँ रहते हैं। और इनके शरीर से निकल रहा रेंज या तरंग वो गुण इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहा है, स्वर्गलोक में, पृथ्वीलोक पर और नीचे पाताल लोक पर। अब जैसे किसी रसोई के अंदर छोंक लगाया जाता है मिर्चों का, अब मूल वस्तु सरगुण वस्तु तो रसोई में, उसकी जो निराकार प्रभाव है वो पहुंच गया दूसरे मकान के अन्य कक्षों में, वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींके आ रही हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर हो रहा है। अब छींक आवे उनको रोकना जीव के बस का नहीं, अब वो छींकों का कारण कौन है, वो मिर्च है। उदाहरण समझकर आगे सुनिए तत्व ज्ञान को। अब इन तीनों गुणों से जो आपके ऊपर प्रभाव ऐसे हो रहा है मिर्ची की तरह, उसके आधार से उसके प्रभाव से यहाँ प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है, विषय वासना से प्रेरित हो जाता है और फिर यहाँ के संसारिक सुख ठाठ बाठ राजपाट इनकी इच्छा इस रजोगुण के इंजेक्शन के कारण ही ये चाहता है। फिर दूसरा इंजेक्शन सतोगुण का विष्णु जी से आपके लगा रहता है, माँ के पेट में तो इनका प्रभाव होता नहीं, ये वरदान है प्रभु का, बाहर आते ही तीनों गुण ऐटोमेटिकली एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में सब लग जाते हैं ऐटोमेटिकली। तो सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ मोह ममता अपने संतान में, संपत्ति में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, भाई बहन में, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों में ये ममता जो जकड़ी हुई है हमारी, ये हमारे बस का नहीं है, ये भगवान विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण की तरंग का प्रभाव हमारे ऊपर है।
और तीसरा जो तमोगुण का प्रभाव है, प्रत्येक प्राणी प्रेशर में रहता है, जरा सी बात हुई ना गुस्सा होगा और 20 गालियां सुना देगा। टेंशन, मानसिक शांति गई, अभद्र बोलेगा, बनवान सामने वाला फिर दुश्मन बन जाओगा। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के इसकी एंटीबायोटिक औषधि दी है हमारे को अपनी अमृतवाणी। अब उसके अंदर ये क्या बताया है, सर्व सोने की लंका होती रावण से रण धीरम, एक पलक में राज विराजी वो जमके पड़े जजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। ये एंटीबायोटिक दी परमात्मा ने हमारे को ताकि ये नशा हल्का हो जाए, इनका प्रभाव खत्म हो, निष्क्रिय हो। क्या बताते हैं, आप तो क्या बना लोगे, कोठी बना लोगे, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल की बना लोगे, 1-2 और की तो व्यवस्था हो जाएगी, गणा सेठ होगा, तो कोई फैक्ट्री लगा लोगे और गणत गणा 1 अरब 2 अरब 10 अरब खरब 10 खरब मान ले, कट्ठी भी कर ली सारे जीवन में डले डो कया माया। अब क्या बताते हैं, रावण ने तो अपने महल बना रखे थे सोने से, जैसे हम ईंटें बना रहे हैं गारा की, सोने की ईंटें बनाकर महल बना रखा था, और सोने की गारा थी वो उसके सेट करने के लिए। और रावण की मंडियों में ऐसे हीरे और मोती बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, इतना सेठ था वो, इतना धनी था। और केले क्या बताएं, कहते हैं ओए होए, सर्व सोने की लंका थी और रति ने सोना मुख, और उस रावण की लंका में त्रिलोकी का दुख है। जब उसकी ब्रह्मवाटी हुई, एक सत भक्ति ना करके पुण्यात्मा, देखो ये तत्व ज्ञान है, अपने बहुत गहराई से समझना होगा इसको। रावण भक्ति करता था लेकिन सत भक्ति नहीं थी उसके पास। रावण ने वो भक्ति की है, आप तो 7 जन्म के 1,00,000 जन्म नहीं कर सकते। अब रावण को मिसगाइड करने का दोषी उसका गुरु है, उस नालायक ने बता दिया उस कोरे कागज पर लिख दिया रावण की आत्मा पर कि ये जो तमोगुण भगवान शिव है ये पूर्ण परमात्मा है, ये सर्व सुखदायी है, गणाय धन दे देगा। अब ये सारे ऋषि महर्षि संत जितने गुरु थे ये काल के दूत थे, इन्होंने मिसगाइड करना ही था। अब रावण ने उस गुरुजी की बात को साची मान लिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर लिख रखा है, और किता नहीं लिखा ऐसा, वो तो परमात्मा ही नारा है। तो उसने उस बात को रावण ने सच्ची मान करके और ऐसी साधना की, यहाँ से अपनी तलवार से शीस बैठ कर दिया, काट के 10 भुजा, ये भुजा भी और शीस भी। अब फिर वह प्राप्त हो गया, 10 बार चढ़ा दिया उसने, तो 10 बार वापस भी मिल गया। यहाँ तो टिट जैसा करेगा वैसा ही फल है। और फिर क्या बना, कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और रति ने सोना मुख, और उस रावण की लंका में उस दिन त्रिलोकी का दुख है। ओए होए, सबसे महान दुख उसके घर पे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना नहीं ले जा सक्या वो सोने के महल में सोने वाला। तो ये एंटीबायोटिक है भगवान ने आके बताई है तुम्हारे, ये रजोगुण और ये सतोगुण और तमोगुण के ये सब प्रभाव आपसे धीरे धीरे बहुत ही जो है हल्के हो जाएंगे,
बहुत कम प्रेशर आपके ऊपर रह जाएगा इस ज्ञान से। फिर रही बात संतान की कि मोह ममता जो संतान में हम बनाए हुए हैं, क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं क्या मांगों कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। ओए ओए, आप क्या डिमांड करते हो यहां आकर के, निसंतान केवल संतान ही मांगता है और निर्धन केवल धन ही की इच्छा लेकर आता है, कोई अस्वस्थ है वह स्वास्थ्य ही की डिमांड करता है। परमात्मा परमेश्वर आप जी को यहाँ आने के बाद फिर एक ज्ञान भी दिलाते हैं जिससे आपकी 80% इच्छाओं का नाश हो जाता है, रह जाएंगी 20% जो आवश्यक होंगी परमात्मा अवश्य पूरी करेगा, वो 20% आपके लिए 100% होंगी, क्योंकि आपको जो यहाँ व्यवस्था चाहिए वो परमात्मा अवश्य देगा और घनी देगा, आपको खूब देगा वो माया जितनी आपको चाहिए। इससे अधिक मांगोगे तो फिर आपकी वैसे तो आत्मा नहीं मानेगी कि रावण के ले गया सिर पर धरके, क्यों टाइम वेस्ट करे मतलब। और एक इस अध्यात्म ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म तय और इस तत्व ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाएगा वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करेगा, यहाँ की बकवादान नहीं चाहेगा। उसके लिए उदाहरण है कि जैसे आप जी जो है यहाँ क्या डिमांड करते हो, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर ना रही, देखत नैन चला जग जाई, एक लखपूत सवा लगनाती, उस रावण का दीवान बाती। अब जैसे आपका पुत्र है जो नी संतान है, वो सोचा भगवान पुत्र दे, पुणात्माओं ये अध्यात्म ज्ञान है, इस अध्यात्म ज्ञान के अंदर आपका उद्देश्य जब ज्ञान सही हो जाएगा मोक्ष ही रह जाएगा और रह ही जाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्राणी यत्न करता करेगा फिर वो इन कर्मों से परिचित हो जाएगा, कैसे, जैसे निसंतान प्राणी है या जिसके पास पैसा नहीं है निर्धन है, या घना धन हो रहा है और फिर भी सबर नहीं, वो भी इन एंटीबायोटिक कैप्सूल यानी परमात्मा के इन वचनों से सेट हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति का हमारे आंखों देखे कई उदाहरण है, हमारे गांव में भी और भी कई जगह रिश्तेदारियों में देखा हमने, पिताजी ने सारी उम्र पशु की तरह काम किया, धन जोड़ जोड़ कर बच्चों के लिए रख दिया और बच्चे ही से निकम्मे हो गए, क्यों न बना बना धन पा गया, लग गए बकवाद करन, शराब पीण, मोटर फिर कार ले ली, जीप ले ली, दे एक्सीडेंट, किसी की टांग टूट गई, कोई मर गया, और वो सारी उम्र जो पशु की तरह कमा कर जोड़ जोड़ कर धरा था वो बैठ कर रो, फिर वो बालक मानने को नहीं। परमात्मा ने सबकी किस्मत में लिखा हुआ है, अपना संस्कार लेकर बच्चा उत्पन्न होता है, बेटा या बेटी, ये आप नोट कर लियो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों में, और उनका संस्कार ही उनको मिल पाओगा, उससे ज़्यादा आप कितनी व्यवस्था कर लियो उनके पास नहीं रहेगा, यदि उनके भाग्य में नहीं होगा। और आपके कर्म बिगड़ेंगे, भगवान की भक्ति कम करके माया जोड़ने में लगे रहोगे, यदि बच्चों को भी आप परमात्मा से जोड़ दोगे इस कबीर भगवान से, तो इस परमात्मा की एक और खासियत है, एक विशेष गुण है इसके अंदर, परमात्मा में एक विशेष इसका विधान है कि आपके भाग्य में नई वस्तु होगी और आपके लिए आवश्यक होगी, ये भगवान नई लिख देगा, और यहाँ कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, क्योंकि ये स्वयं भी अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोगने के लिए रह रह कर जन्म ले लेकर पूरा करते रहे,
जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू आजीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा पृथ्वी पर, उसी आधार से राजा दशरथ के घर जन्म हुआ विष्णु जी का, श्री राम रूप में आजीवन सीता के वियोग में मर ही गया, मिलन नहीं हुआ। बाली मारा था सुग्रीव का भाई रामचंद्र के रूप में धोखे से, तो श्री कृष्ण जी के रूप में वही आत्मा विष्णु की अवतरित जन्म हुआ। वासुदेव के घर देवकी जी के गर्भतः, फिर बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर उनका वध किया, टिट फॉर टैट पूरा किया। तो ये भगवान अपना भी कर्म दंड नहीं समाप्त कर सकते, अपना भी कर्म किया जो मस्तिष्क में लिखा भोगना ही पड़ेगा, अन्य का तो ये करा ही नहीं सकते, फिर किसी प्रकार भी दूर नहीं कर सकते, छुटा नहीं सकते उससे। तो इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा जो है कबीर भगवान, ये आपके प्रारब्ध के सभी संस्कारों को जो आपको हानिकारक होंगे नष्ट कर देंगे। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेखे, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। फोर एवर मेख मारना, फोर एवर कैंसल, दोबारा बोए नहीं जाम इसे कर दे। और वैसे तो एक मासा घटे ना तेल बट है, जो लिख दिया उसमें कोई अंतर कोई भी भगवान नहीं कर सकता, ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता। यानी ब्रह्म को सर्वपुरुष भी कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे तो फिर आप इस माया की हवस में अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकते। आप भक्ति करना और फिर देखना, वो समर्थ भगवान है, अन्य प्राणियों से आपको अधिक धन भी देगा यहाँ पर, लेकिन आपको इतना ज्ञान भी देगा कि इस माया को तू अपना मत समझना, तेरी दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि फिर आशा रह जाएगी, यही फिर जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान से आपके ऊपर जितना भी आवरण अज्ञान का चढ़ा हुआ है और जितना भी प्रभाव इन तीनों गुणों का आपके ऊपर है, ये निष्क्रिय हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, भक्ति बढ़ाते जाना। और फिर ये निसंतान केवल संतान प्राप्ति की ही इच्छा रखता है। अब उसका भी कारण है, उस प्राणी का कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा समाज इस काल की प्रेरणा से इतना प्रेरित है कि जिस भी किसी बहन भाई को संतान प्राप्त नहीं हुई उसने जीर्ण नहीं दे, उसका जीना हराम कर देते हैं। कोई तक कहेगा कि तो बेऔलाद्या है, इसका सुबह सुबह माथा ना देखना। यहां तक भी इन नकलियों ने हमें मूर्ख बना रखा है। और फिर जैसे कोई रिश्तेदार आता है दूर की रिश्तेदारी का, पूछता संतान है कोई बहू पे, तो कहते नहीं, कितनी वर्ष हो गए विवाह को, 10 वर्ष हो गए, ओहो फिर तो दूसरी शादी कर दो, यानी एक और बीमारी पैदगल में गलवा देंगे। वह बहन रोए कि एक और आओगी छाती पे, और उसके ना होए जब क्या करेगा, एक और जुड़ गया। तो कहने का भाव ये है कि हम फिर इस ज्ञान के आधार से ये मुसीबतें मोल नहीं लेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे। यदि परमात्मा चाहेगा कि आपके हित में है तो संतान अवश्य देगा। यहाँ आपको दिखा दें, एक का 27 साल में जो ने पुत्र दिया, उसकी उम्र उस टाइम 54 साल की थी, ब्याह 27 के बल्कि ज़्यादा से 30-35 साल के बाद, और एक एक लड़की होगी थी, फिर उसके पास कोई संतान नहीं थी 20 वर्ष तक लगा था, और उसके बाद फिर पुत्र हुआ। एक का जो है ना 26 साल में 2 कन्याएं हुई। अब वो क्या करते हैं, संतान न संतान मांगे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस ज्ञान से परिचित हो और मोक्ष को मुख्य रख, क्योंकि कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबोया बोरे तू कौआ हंस बगारे, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत डैण चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। एक पुत्र मांग लेगा भगवान ते, अगर वह इच्छा पूरी ना हुई तो भगवान छोड़ के फिर कहाँ जाएगा, फिर धक्के खाएगा वहीं पर।
परमात्मा क्यों नहीं आपको संतान देंगे, वो तो इतनी दे देंगे, हाथ जुड़वा देंगे आपकी, हाथ जुड़वा दें, अक बंद करो भगवान, यहाँ ऐसे भी प्राणी आपको दिखा देंगे। लेकिन आप उद्देश्य क्या लेकर आए हो, उस उद्देश्य को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो इस ज्ञान से होगा। तो क्या बताते हैं, आप एक पुत्र मांग भी लोगे, भगवान दे भी देगा, तो के कला टूट गया। आप कभी अपने दादा को याद करते हो, पर दादा कदे याद आवे आपके, सपने में भी ना आता। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ की व्यवस्था से परिचित हो, भगवान जो दे वो ठीक है, फिर भी परमात्मा आपको अवश्य देगा जो आवश्यक वस्तु होगी। रावण के 100,000 पुत्र थे और 100,000 के 100,000 उस युद्ध में मारे गए, उसके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, कोई दीपक जगानिया नहीं मिला, उसने सर्वनाश को प्राप्त हुआ। और यदि आप जी का एक पुत्र भी हो गया तो उससे क्या लाभ होगा, अच्छी बात है, भगवान चाहेगा तो उससे देगा आपको, ये सत्कर मानना। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान है पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें समझना पड़ेगा। जगत का और भगत का कहते आए हैं कि आपस में विरोध ही रहा है। कारण क्या है, क्योंकि संत यानी भगत के विचार आध्यात्मिक होते हैं और जगत में रहने वाले व्यक्ति के विचार संसारिक होते हैं। संसारिक व्यक्ति तो सन्नी संतान को बुरा मानते हैं और संत नि संतान को बहुत अच्छी आत्मा मानते हैं कि वो बहुत ही नेक आत्मा है, क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति करवानी है और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ संस्कारों से जुड़े हुए हैं। कोई पुत्र बना है तो पिछले संस्कार से, आपको बताया कि एक तो ऐसा बेटा होता है, पिता तो शराब पीता है, हुक्का पीता है, और बेटा को मां का उसकी पूर्ति करता है, और ना उसको शराब के पैसे मिले, 36 गाल सुनाता है, गाली देता है बेटे को, और बेटा फिर उसको पिता को दे रहा है। तो वो पुत्र जब कभी पिता था उस पिता का, कभी वो पुत्र उस पिता का पिता था, तब उसने ऐसा ही उसके साथ किया था, अब वो अपना बदला ले रहा है। एक ऐसा बाप है सारी उम्र कुमा कुमा के रख देता है और बेटा शराब पीता है, काम नहीं करता है, उसके सारे धन का नाश करता है, और पिताजी बैठकर रो रहा है एकांत में, उसके कमाए हुए धन को व्यर्थ वो उड़ा रहा है। तो वो पिछले जन्म में बाप था या किसी और संस्कारवश उसने भी उसके ऐसे ही पैसे बर्बाद किए होंगे। तो यहाँ परमेश्वर के तत्व ज्ञान में कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसे का यहाँ पिता नहीं पुतम, ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारह बाटा। अब ये नहीं कहा परमात्मा ने कि तुम पिता पुत्र के नाते को भूल जाओ, नहीं, ये भी ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध होगा, क्योंकि हमें जो भी रोल मिला है हम उस रोल को ठीक नहीं करेंगे तो हम कुपात्र हैं, वो पात्र अच्छा नहीं होता, वो किसी ने भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब तक आप जी का जैसा भी नाता एक दूसरे के साथ है इसको निभाओ और साथ में भक्ति करो परमात्मा की, तो ये समृद्ध शक्ति जो है आपके इन संस्कारों को अपनी वीटो पावर से आसानी से क्लियर करवा देगा, समाप्त करवा देगा इसी जन्म में। आगे आपका एक दूसरे के प्रति कोई संस्कार शेष नहीं रहेगा, फिर आप आगे कहीं जन्मोगे नहीं, उद्देश्य यही होना चाहिए। और जिसके संतान है ही नहीं वो तो स्टेज पर पहले आ लिया मोक्षाड़ी पे, और अब उसको चाहिए सत भक्ति करनी, समाज की नहीं सुने। तो पुण्यात्माओं ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी जो प्रथम बार आए हैं उनको तो ये बात समझवाओ नहीं, क्योंकि वो तो पहली क्लास के बच्चे हैं, और जिनको 2-3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष हो गए इस मार्ग पर लगे ये ज्ञान सुनते, वो
बच्चे हाई क्लास के हैं, उच्च क्लासों के हैं, उनका ये बात आसानी से घर कर रही है। अब जैसे अज्ञानतावश किसी को संतान है नहीं, वो अज्ञानतावश केवल संतान ही उत्पत्ति उद्देश्य रखता है और भगवान से विमुख हो जाता है, कोई उसको बहका देता है वहाँ एक मंदिर में माथा टेक दे संतान हो जाती है, वहाँ डंडी का धागा बांध जाओ संतान हो जाती, फिर वो धक्के खान फिर लग जाएगा और यहाँ से दूर हो जाएगा, उसकी के दुर्गति होगी फिर। अब क्या होता है कि फिर वो एक किसी या तो अपने घर में किसी चाचे भाई का भतीजा लेगा गोद, और या फिर कोई अन्य रिश्तेदारी में कोई गोद लेगा। और ये आपको इतना अनुभव नहीं, हमें अनुभव है, या जो बुजुर्ग हो रही है हमारी उम्र के उन्हें भी अनुभव है। अंत समय में क्या होता है कि उस पुत्र जो गोद लिया उसका ब्याह होगा, उसकी पत्नी आवेगी, और फिर खटपट तो यहाँ की पहला काम है इस काल का, ये तो सबके साथ खटपट तो करवावे ताकि इनको शांति बनी रहे। तो फिर वह बूढ़ा बुढ़िया हो जाएंगे, वो निसंतान, और वो दत्त पुत्र उनके पास होगा, और वो एकांत में बैठ कर के सोचा करें कि हमारा अपना बेटा होता तो आज न्यो ना बोलता ये, तो उनकी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। उनको चाहिए कि उन मिलने जाके जिनके पुत्र हैं वो किसी टाट काट रहे बुढ़िया की किस तरह बात करते हैं बिना ज्ञान के। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, भगवान से डर हो जाएगा, फिर आप अपने बुजुर्ग तो छोड़ दूसरे की भी सेवा करोगे, उनसे भी विनम्र भाव से बोलोगे, उनकी आत्मा को आप दुखा नहीं सकते। और यदि आप किसी वचन से कर्म से किसी की आत्मा को दुखाते हो तो आप भक्ति नष्ट कर लेते हो। अब फिर क्या होगा, जैसे आदमी तो जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन बहन जो होती है माई, उसको एक विशेष बात खटकती रहती है कि तू बांझ होगी, तेरे को बांझ की पदवी मिल गई। और अंत में वो इसी दुख में मर जाती है कि मेरा संतान होती तो मुझे ये कलंक नहीं लगता। जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दूर हैं, नहीं इस ज्ञान से परिचित हैं, भक्ति नहीं करते, उनकी ये दशा होगी। फिर यु काल के करेगा उसके साथ, जीवन मनुष्य का नष्ट करवा कर अगले जन्म में कुतिया का जन्म देगा उस बहन को, उस आत्मा को, और फिर नौके गले काट ले कसर सारी जामण की, आठ आठ कट्ठे जाम पैदा कर ले, फिर सुअरी बनाएगा अगले जन्म में नष्ट जीवन में। अब बारह बारह कट्ठे पैदा कर, अब यहाँ हम मनुष्य जीवन में जो संतान है उसमें इतनी ममता सतोगुण के प्रभाव से, और पशु योनि में भी वही ममता वही लगाव एक जैसा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान रूपी रोशनी के अंदर आप फिर इस कीचड़ में बड़ो को नहीं, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। परमात्मा आपको मोक्ष उद्देश्य से यहाँ बुलाते हैं, जो अन्य आपके कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, आपका दारिद्र्य टोटा भी नहीं रहेगा, आपका शारीरिक कष्ट भी नहीं रहेगा। और आपको यदि मालिक चाहेंगे कि कोई संतान ऐसी देना चाहेंगे कि उसको हानि ना करेगी, तो अवश्य वो संतान भी देंगे। और जिनका मोक्ष कराना है, जिनके ये बात समझ में आ जाएगी, उनको फिर संतान की आवश्यकता स्वयं भी नहीं रहेगी। और फिर भी अगर चाहेंगे तो परमात्मा अवश्य सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ बहुत प्रमाण है ऐसे। क्योंकि जब तक आदमी पहली बार आता है उसको ज्ञान नहीं होता, कितना कह ले कितना सुना ले, धीरे 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 भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से अंदर का मैल साफ होता है, अंदर की जो आत्मा पर रंग चढ़ गया इस काल का वो खत्म होता है, फिर ये एकदम जच जाती है ये बातें, और परमात्मा सब कुछ आपको देगा जो आवश्यक और भक्ति बाधक ना हो। अब क्या बताते हैं, क्या मांगों कुछ थिर न रहाई, देखत निर्ण चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बंदे हाथी,
कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। आज राजा बन गया। राजा लोग क्या करते थे, अपने किले के बाहर हाथियों को बांधते थे। किसी के बाहर 20 हाथी बंध रहे हैं, किसी के दूसरे के 100 हाथी बंध रहे हैं, तो बाहर बंधे हुए हाथियों के खर्चे को, एक हाथी का कितना खर्चा हो, एक मण एक बखावो, और वो तो उसका कलेवा होता है ग्रास, एक बार की टेम्परेरी भूख मिटाए, तो उसको बेमतलब खर्चे को दिखाना, लोग दिखावा करते थे। राजा बार हाथी बांध करके उसकी इतनी क्षमता है, इतनी समर्थता है। तो परमात्मा कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती, ना तो तेरे साथ कोई जन्म लेकर आया था, और ना मरेगा जब कोई साथ जाएगा, ना कोई बेटा साथ जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पति ना पत्नी। तो परमात्मा कहते हैं, जब तू इस संसार को छोड़कर जाएगा, आज तो हम सभी अपने परिवार में कति मस्त हैं, और जब ये पता लग जाए कि इसको ये बीमारी बन गई, ऐसा ध्यय रोग हो गया, फिर देखो उसकी स्थिति क्या होगा उसके साथ। तो परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तने सारा जीवन, जिस संपत्ति संतान के लिए सारा जीवन नष्ट कर दिया, अपना मान कहने सोच लिया मैं अड़े रहूंगा, यही रहूंगा, कहते हैं हिड़की दे दे के टक्कर मार मार कर रोएगी जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को निकाल लेते यम के दूत, शरीर से बाहर काट कर छोड़ देते, पटक देते, फिर ये बाहर घूमता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो चरम दृष्टि से विजिबल नहीं होता। अब वो देखता है इधर उधर, वही खड़ा कर देते हैं, और सब वो सब के पास कहता, मैं मेरे से बात कर, मैं ये रहा, क्यों रो रहे हो, मैं ये रहा, उनको सुनता नहीं, रोड़ बोल रहा है। फिर यम के दूध कहते, आ जाए हमारे साथ आ जाए, अब तन तो पिछाड़ते भी को ना। और फिर क्या करते हैं, जब शव को बाहर निकाल ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, बारने में लोह की कील गाड़ देते हैं, कहते फिर ना आ जा, अरे तू न्यूक है मेरा घर है तरह के, जब किसी आँख फूट रही, लोहे की कीलें पड़वा के गाड़ दिया करते पहले कि कदे फिर वापस ना आ जा पिताजी, अरे तू अपना घर मान रहा था उसने। तो ऐसी कुछ देखकर भी हम नहीं समझ पा रहे थे, ये हमारी जीव संज्ञा की सोच और व्यवस्था थी। अब ये ज्ञान भगवान ने दिया, आप जब नाम से जुड़ जाओगे आपको शक्ति भगवान देगा, इस सभी समाज और संघर्ष, इन अज्ञानता और इन समस्याओं से संघर्ष करने की भगवान शक्ति देगा। और जब तक जीव को प्रभु का सहारा नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। ठीक है, पिछले जन्म का कोई शुभ संस्कार है, चाहे राष्ट्रपति बन जा और चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जा, अंत में वह वीरान माटी होगी। जैसे कहते हैं, अंत में कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ के चला जुवारी। एक आर्या हुआ जुवारी क्या होता है, जिसने लाखों रुपये नाश कर दिए जुए में, वो नो हाथ मारता जा करे, है तेरे की नाश हो गया, बीता तो बतलाया करे, ले मैं ना लाऊं वो योद्धाओ तो इतने पैसे बच जाओ, ईब के बच्चे था नाश से कर लिया सारा। तो अब है वो बचने और बचाने का समय। तो क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलकम राज विराजी व जमके पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बिज चकर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुन करी शिशवर कल्प करी तब खोज न पाया राई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी के शासक को चक्रवर्ती राजा बोलते हैं, और उसके मन में क्या आया कि मैं अपने अंतर्गत मेरे अधीन जितने भी नरेश राजाएं हैं, नवाब हैं, उनको ललकार दिया उसने कि जिसको भी पृथ्वी पर
मेरी प्राचीनता स्वीकार ना हो, मैं एक घोड़ा भेज रहा हूँ, उस घोड़े को पकड़ लेना, बांध लेना और युद्ध के लिए तैयार हो जाना। जो इस घोड़े को बांधे और ये समझूंगा कि वो प्राचीन नहीं रहना चाहता, तो ऐसा ही किया गया। पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घुमा लाए उसके सैनिक, किसी भी राजा ने उसको नहीं पकड़ा। अर्थात राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा से युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं बनी। एक चुनक नाम के ऋषि थे। अपने आत्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें बहुत प्रकार के उदाहरण देने पड़ेंगे आपको। जैसे आपको कहा कि रावण भक्ति भी करता था लेकिन उस भक्ति से नाश कर लिया, उस भक्ति से विनाश कर लिया अपना वीर परिवार का भी। ऐसे ये चुनक ऋषि भी भक्ति करता था। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इन 4 श्लोकों में कहा कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया तक सीमित है, इससे आगे किसी को नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते, इन तीनों गुणों से ऊपर मेरी भक्ति नहीं करते, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है। फिर ये कहता है 16, 17, 18 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि 4 प्रकार के हैं जो मेरी ब्रह्म साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे भक्त नहीं है, लेकिन ज्ञानी समर्पित होते हैं मेरे पर। ज्ञानी वो होता है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए, उनको ये भी पता लग गया कि केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की साधना से कोई लाभ नहीं, उनको ज्ञानी कहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उद्धार हैं, समर्पित हैं, ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये अन्य देवताओं की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लगी हैं, लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये ज्ञानी आत्मा, उद्धार आत्मा भी मेरे वाली अनुतम साधना में ही आश्रित रहे, मेरी घटिया साधना में, ब्रह्म साधना में आश्रित रहे, क्योंकि जब तक जन्म और मृत्यु है शांति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता। तो गीता ज्ञानदाता 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें श्लोक में 2वें अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के 2वें श्लोक में कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। जब तक जन्म और मृत्यु है तो सुख नाम की चीज नहीं। परम शांति के लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, यानी सचखंड को, सत्यलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट कर दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा पाने के लिए जीवन न्योछावर कर दिया, मरे थे जीवे भूखे प्यासे बैठे रहे, भक्ति करते रहे, ओम नाम का जाप जैसा इनको पता था, इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान रखा था, ब्रह्म से ऊपर तो और बहुत बड़ी पावर है अक्षर पुरुष, फिर परम अक्षर पुरुष ओवरऑल कंट्रोलर, उसकी भक्ति का इनको पता नहीं लगा, जिस कारण से साधना करके भी व्यर्थ रही, इनका जीवन नष्ट कर लिया इन्होंने। तो वो काल की भक्ति कर रहे थे, ब्रह्म साधना कर रहे थे, चुनक ऋषि उन उद्धार आत्माओं में से था जो गीता ज्ञानदाता कहता है ये है तो अच्छी लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में आश्रित रहे।